और महिलाओं को जो सताया जा रहा है वो बीजेपी सरकार के आने से और ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। और हम चाहते हैं कि आप सब एकजुट होके, जब तक आप एकत्र नहीं होंगे हमारे ताकत नहीं बढ़ेगी, तो हमारे 50% महिलाएं हमारे देश की आबादी की 50% महिलाएं हैं। और 50% जब तक महिलाएं हैं हमारा संघर्ष अधूरा रहेगा, हमारे भाई लड़ते रहेंगे और हम पे यूं ही अत्याचार होता रहेगा। बाबा साहब ने हमें यही कहा था कि एक महिला को खुद खुद कर दे, तो हमारे एक महिला की चीज होती है तो पूरा समाज और अपना परिवार चीज होता है। तो हम चाहते हैं कि महिलाएं भी ज्यादा से ज्यादा आंदोलन में जुड़े और महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो हम आंदोलन को जीत पाएंगे और आगे लड़ाई लड़ पाएंगे। क्योंकि 70 साल की आजादी के बाद में भी हम आज आजाद नहीं है, अपने स्वतंत्रता के लिए, अपने डिग्निटी के लिए हम आज भी लड़ रहे हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई हमें आज भी मिल रही है। हमारे 80% जो जनसंख्या है वह आज भी दलित पिछड़े और आदिवासी समाज के लोग वह भी आज इस तरीके से रह रहे हैं कि उन्हें 2 टाइम की रोटी भी मुयस्सर नहीं होती है। तो हम चाहते हैं कि इस लड़ाई में भीम आर्मी के साथ, चंद्रशेखर के साथ, भाई अशोक भाई के साथ में हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में एकत्रित होके उस लड़ाई को आगे बढ़ाएं और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। क्योंकि अब अधिकारों को मांगने का समय नहीं है, हमें अधिकार छीन कर लेने होंगे और अधिकार छीनने के लिए हमें संगठित होना पड़ेगा। यही मेरे आपसे गुजारिश है। देवेंद्र।